past was a kind of philosophical and religious contest in ancient India, in which scholars participated to reveal the inner meaning of scriptures. So we can say that it is similar to today's panel discussion and group discussion. Today we have Shastrarth on the unit topic, that is, can money bring happiness? We have speakers Dr. Sandeep Atre and Prof. Purohit, who would be doing the Shastrarth. Now I would request our speakers to please take their seats. Dr. Sandeep Atre and Professor Purohit. Add dharma to earth, that you end up at
containing both the objectives, काम as well as तो मुझे लगता है जैसे मैंने बहुत अच्छी बात की है, हम वो जो जो एक वेल जो भरा हुआ है और बाकी वेल जो सूख है वो इसीलिए सूख है क्योंकि उस वेल के पास दरअसल अब अर्थ तो बहुत सारा है लेकिन उसमें किस चीज की कमी धर्म है, वो धर्म भी आ जाएगा मुझे यकीन है उसका काम और मोक्ष क्योंकि हमारे भारत का तो सबसे इम्पोर्टेंट आपने लाइन सुनी होगी आत्मने मोक्षार्थ जगत हिताय च, मतलब दोनों जरूरी है, अपना मोक्ष भी साधना है और जगत का हित भी साधना है, वो दोनों तभी हो सकता है जब अर्थ को धर्म का साथ। ये जो आपने पुरुषार्थ की बात की कल आपने से जिन्होंने इनॉग्रल सेशन इस कार्यक्रम का अटेंड किया था तो उसमें जी ने भी पुरुषार्थ के ऊपर फोकस किया था, उसके बाद में जब सिद्धार्थ भैया ने भी अपनी बात रखी तो उसी को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए धर्म का महत्व और इकोनॉमिक्स में किस तरह से उसको लिंक किया है वो बात बताई। अब वनस्थली विद्यापीठ की पावन भूमि जहाँ पर हम अभी हैं वहाँ पे यहाँ पे जो हमारी पंचमुख की शिक्षा है ये पंचमुख की शिक्षा से भी यहाँ पर हमें शिक्षा मिली है, जैसे अभी ये बहुत विजिबल नहीं होगा यदि आप इस चार्ट को देखते हैं जो ये बनाया गया है चार्ट जो आपने से पहले पीछे बैठी और बाद में इसको जरूर देखें, इसमें मैंने लिंक किया है कि जो चार पुरुषार्थ हैं और जो वनस्थली की जो फाइव फोल्ड एजुकेशन है फाइव फोल्ड एजुकेशन में जो मोरल वैल्यूज हैं मोरल वैल्यूज जो है मोरल एजुकेशन जो है वो सभी में निहित है, तो वो जो मोरल है वो वैल्यूज लिंक है पुरुषार्थ से और बाकी जो चारों कंपोनेंट्स हैं उनका भी लिंक है, जैसे इंटेलेक्चुअल है इट इज लिंक विद धर्म, यदि आपका इंटेलेक्ट अच्छा है एंड यू आर एनलाइटन्ड तो आपको धर्म का जो महत्व है बहुत आसानी से पता चल सकता है, और यदि आप इस चार्ट में देखें तो एक तरफ तो ये इसका जो इंटरेक्शन है वो लाता है आप में प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब विजडम, जो हमारी विजडम इक्वेशन है रीजन का सब्स्टिट्यूट, यदि आप प्रज्ञावान हैं तो आप सही निर्णय लेंगे, सही निर्णय लेंगे पैसे के बारे में भी सही निर्णय लेंगे प्रसन्नता ही। दूसरा दूसरी छोर पे यदि आप देखें तो इस इंट्रैक्शन से मिल रहा है हमको शुभ लाभ, यदि शुभ लाभ होगा लाभ यदि शुभ होगा तो वो निश्चित तौर से प्रसन्नता प्रसन्नता को लेकर आएगा ही। हमारे जो शास्त्र हैं उनमें जो मनी का जो फंक्शन है बहुत क्लियरली डिफाइन किया दैट मनी इज सपोज टू हेल्प यू टू डू योर ड्यूटीज, मनी इज सपोज टू हेल्प यू टू फुलफिल योर डीड्स। ऑफ कोर्स देखिए शास्त्र तो कहते हैं खूब पैसा कमाइए लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही मैं जो आपको कह रहा था जिस पे सिद्धार्थ भैया जी ने भी कल उस पर फोकस किया था वो ये है कि वो धर्म साथ में जरूर होना चाहिए, तो मनी का एक फंक्शन ये भी है अपहोल्डिंग द धर्म, यदि वो नहीं होता तो फिर हैप्पीनेस नहीं आएगी, इसीलिए उस चार्ट में जो दूसरा आप नीचे बॉटम की तरफ नजर डालेंगे तो उसमें एक मैंने इक्वेशन बनाई रुपीज सबको चाहिए रुपया चाहिए कुछ डॉलर्स भी कुछ पाउंड्स भी कुछ यूरो भी कुछ येन भी थोड़ा गोल्ड भी टाइटेनियम भी डायमंड्स भी हाँ ये सब हो तो हैप्पीनेस तो आएगी ना, लेकिन वो जब तक धर्म नहीं होगा सर्विंग एज अ कैटलिस्ट तब तक ये इक्वेशन कंप्लीट नहीं, इट्स जस्ट लाइक यू हैव ऑल द रॉ मटेरियल बट यू कांट मेक द यू नो रेसिपी बिकॉज यू हैव नॉट ऑफ ऑफ गैस। इसको आप इस तरह से देखें कि मनी जो है वो आपको प्याले में देते हैं, अब प्याले आपके हाथ में अब उन प्यालों में आप जो है वो खीर भरते हैं या आप दाल भरते हैं या आप जहर भरते हैं वो तो दरअसल आप पे डिपेंड है, तो वो आपको प्याला देते हैं पर आप कहेंगे भाई प्याले के बिना भी तो खीर खाई जा सकती है, नहीं प्याले के बिना खीर खाई जा सकती है पर स्टोर नहीं की जा सकती, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि मैं प्याले के बिना खीर खा सकता हूँ लेकिन प्याले के बिना मैं खीर स्टोर नहीं कर सकता। सो मनी का पूरा कॉन्सेप्ट अगर आप करेंसी के थ्रू से ही देखेंगे तो आई वो सर्कुलर थिंकिंग मनी वाज सपोज टू स्टोर वैल्यू एज मनी, लेकिन पहले बार्टर था मैंने आपको एक किलो गेहूं दिया आपसे जो है वो दो किलो ज्वार ले लिया उसके बदले में, लेकिन हर बार तो मुझे ऐसा इंसान नहीं मिलेगा ना जिसको दरअसल मेरे गेहूं की जरूरत पड़ेगी और मुझे तो ज्वार चाहिए, तो दरअसल इस वैल्यू को स्टोर कैसे किया, इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए मनी एज अ कॉन्सेप्ट जो है हुआ और वो कॉन्सेप्ट आज भी उतना ही सही है रिलेवेंट, क्यों क्योंकि अगर मनी नहीं होगा तो हम वो
नहीं कर सकते। अब इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि पैसा कमाने का उद्देश्य होना चाहिए, पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मैं पैसे के साथ करता क्या हूं वो इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाना उद्देश्य। दरअसल आप में से कई लोग जो कार्टून जिन्होंने देखते देखते बड़े हुए, एक डकटेल्स नाम का कार्टून आता था जिसमें अंदर स्क्रूज हुआ करता था। अंदर स्क्रूज की एक खासियत यह थी कि वो जो है वो तैरते थे, वो पानी में भी तैरते, वो अपनी जो है वो अचरकों में तैरते रहते उन्हीं के सिक्कों। तो दरअसल यहाँ पर मनी हैज बिकम एंड्स उसके अंदर स्क्रूज के, जबकि मनी इज सपोज टू बी मीन्स टू सम एंड्स, और वो एंड्स डिफाइन करेंगे कि मनी कितना हैप्पीनेस ला सकता है और कितना हैप्पीनेस नहीं ला सकता। मुझे लगता है वहां पे एक चूक हो रही है हम सब लोगों से। हम लोग तो प्याला तो ले आते हैं लेकिन हम सुंदर प्याला खरीदना चाहते हैं, फिर हम और अच्छा प्याला खरीदना चाहते हैं, हम सबसे अच्छा प्याला खरीदना चाहते हैं। हम ऐसा प्याला पर हम आखिर में भूल जाते हैं कि प्याले से स्वाद नहीं आता, प्याले में जो चीज जाती है उससे स्वाद आता है। आज मैंने पैसा कमाया है ताकि मैं वक्त बिता सकूं परिवार के साथ, आज मैंने पैसा कमाया है ताकि मैं दान दे सकूं, मैंने आज पैसा कमाया है ताकि अपनी दुनिया घूमने की ख्वाहिश पूरी कर सकूं, मैंने पैसा कमाया है ताकि अब मैं 2 साल नौकरी से छुट्टी लेके बुक लिखने का अपना काम पूरा कर सकूं। पैसा कमाया है वो इम्पोर्टेंट है, पर क्यों कमाया वो जवाब उससे हैप्पीनेस या जिसे हम कहते हैं प्रॉस्पेरिटी लाने या ना लाने के योग्य। पैसा का क्या उपयोग है, मेरे ख्याल से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट है कि हैप्पीनेस आएगी या नहीं आएगी। तो महाभारत की एक और कथा है कि महाराज युधिष्ठिर जब युद्ध के पश्चात सबको दान दे रहे थे तो वहाँ पर एक बड़ी विचित्र घटना हुई। वहाँ पर एक नेवला है, उस नेवले का आधा शरीर सोने का, और वो नेवला आया और वहाँ पे बीच दरबार में आके अपने शरीर को सब चीजों से रगड़ने लगा। उस समय जो युग था वो उस तरह का था, तो लोगों ने नेवले से पूछा ये तुम क्या कर रहे हो। नेवले ने कहा कि मैं कुछ समय पहले एक जगह गया था जहाँ पर एक ब्राह्मण कई दिनों से काफी भूखा था, उसका परिवार भी भूखा था। कुछ दिनों बाद उसे थोड़ा सा अन्न मिला, वो अन्न उसने उसको पकाया और अपनी झोपड़ी में जब वो अपने परिवार से सबको बांट के ग्रहण करने ही वाला था, उसी समय एक उनके यहाँ पर अतिथि आया। अतिथि ने कहा मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे कुछ दीजिए। तो ब्राह्मण ने अपना हिस्सा उस अतिथि को दे दिया और कहा कि भाई आप इससे संतुष्ट हो। उसको खाने के बाद भी जो अतिथि है उसकी भूख नहीं मिटी, उसने कहा मुझे और चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी ने दे दिया, उनकी बेटी ने दे दिया, जो 3-4 दिन से भूखे थे सब ने अपना अपना जो अन्न है वो खुशी से सहज अतिथि को दे दिया और बड़े खुश होने लगे कि अरे वाह हमें कितना अच्छा हो सकता। उसके बाद में वहीं पर जहाँ पर ब्राह्मण ने अपने हाथ धोए या जल पिया वहाँ पर थोड़ा सा जल के छींटे और अन्न के दाने, तो नेवला बोला कि वहाँ पर जाके ऐसे ही मैंने जब अपने शरीर को रगड़ा तो मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। तो हे महाराज युधिष्ठिर, मैं ये देख रहा था कि क्या आपका दान उस ब्राह्मण के दान से बड़ा है, लेकिन मेरा आधा दान मेरा आधा शरीर जो है वो सोने का नहीं हुआ। तो उसका उपयोग क्या है, आपकी आपका जो इंटेंशन क्या है। देखिए हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रेशियो एनालिसिस पढ़ते हैं। जब राम सेतु बन रहा था तो एक गिलहरी ने आके अपनी पूंछ पानी में गिली की और उसमें रेत के जो दाने हैं वो उसने पुल पे छिड़के कि मैं भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, और उसमें कहा जाता है भगवान राम उससे बहुत खुश हुए। अदरवाइज वन बुढ़े उससे डरे इससे क्या मतलब वॉट इज गोइंग टू हैप्पन। तो आपका इंटेंशन कैसा, तो रेशियो एनालिसिस भगवान भी करते हैं कि आपकी कैपेसिटी है क्या दिया। लेट्स से यदि हम जो बिलियनेयर्स की बात करें, किसी ने 5 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया, 10 करोड़ का डोनेशन दिया, और राह में चलता एक व्यक्ति यदि 10 रुपए कोई अच्छे कार्य में खर्च करता है तो भगवान का जो न्याय है वो सबसे बढ़ के न्याय है, और वो उस 10 रुपए खर्च करने वाले व्यक्ति को भी बराबर मानते हैं या और श्रेष्ठ मानते हैं। तो यदि आप इस तरह से अपने पैसे को खर्च करते हैं मनी कैन ब्रिंग सर बहुत मनी कैन ब्रिंग। तो अगर हमारी जनरेशन के लिए मनी उतनी हैप्पीनेस ब्रिंग क्यों नहीं कर पा रहा, अगर आप ध्यान से देखें तो उसके रीजंस बड़े सिंपल हैं। मैं इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल शायद मैंने पिछली बार शेयर किया था जिसने मेरी जिंदगी पर बहुत ज़्यादा असर डाला।
हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडेशन डे पे एक फाउंडेशन डे जाते हैं 2007 की बात, हम लोग एक वृद्धाश्रम में गए इंदौर में, वृद्धाश्रम है ज्योति निवास है, वहाँ पे जब हम लोग दे रहे थे, हम लोग फ्रूट के बास्केट क्रिएट कर रहे थे, फ्रूट के बास्केट हमने देना शुरू किए, एक जो वहाँ पे वृद्धजन बैठे थे उनको दिए, फिर अगले को दिए, फिर अगले को दिए, अगले चौथे पाँचवें के पास जब मैं गया तो उसने मुझे मना किया, मैंने सोचा आप लीजिए, मुझे क्यों मना किया, फिर कहा नहीं समझ नहीं आया, अब मेरे अंदर थोड़ा सा इरिटेशन भी आया क्योंकि हम लोग सब लोग जल्दी में रहने वाले थे, हमने कहा कि चलिए, मैंने एक बार कर कहा, मैंने कहा ले लीजिए मैं रख देता हूँ, फिर पड़ोस वाले जो बैठे हुए थे उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने कहा वो कह रहे फल नहीं दो बैठो, या जो भी आता है फल लेके चला जाता है, कोई वक्त नहीं होता। अब अगर आप देखें तो आप पाए हमारा सबसे बड़ा आयरनी या विडंबना जो इस जनरेशन की है वो ये है कि वो पहले सेहत गंवा के पैसा कमाती है, फिर पैसा गंवा के सेहत कमाती है, पहले वो वक्त गंवा के पैसा कमाती है, फिर वो पैसा गंवा के वक्त लाना चाहती है, जबकि ऐसा नहीं, क्योंकि जिंदगी आइदर और में नहीं जी जा सकती, जिंदगी एंड में जी जा सकती। हैप्पीनेस एज अ कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, हैप्पीनेस जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट करती है एक कॉन्सेप्ट जिसे हम हार्मनी कहते हैं, बैलेंस कहते हैं, मॉडरेशन कहते हैं, जैसा कि मुझे यकीन है कि इसके ऊपर हर्ष सर काफी बोले क्योंकि वो लाइन जो हर्ष सर ने मुझे बताई थी उसी से मुझे बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो अक्सर आपने जोक के तौर पर सुना होगा कि एक जो है वो 4 साल का बच्चा अपने पिताजी के पास आया, पिताजी लैपटॉप पर काम कर रहे थे, उसको बोला कि कितना कमा लेते हो आप महीने का, तुमने कहा तो कहीं तू क्यों पूछ रहा है, मेरे नाना पूछते तो बात अलग थी, मैंने कहा क्यों पूछ रहा है, उन्होंने कहा नहीं मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, उन्होंने कहा करीब 60,000 रुपया महीना, उन्होंने कहा मतलब दिन का कितना होगा, 4 साल का बच्चा उसको नहीं आता, उसने कहा 2,000 रुपया महीना करीब, तो उसने कहा फिर 1 घंटे का कितना होगा, मैं 1 घंटे का 10 घंटे का हूँ उसका मतलब 200 रुपये, तो उसने जो है गुल्लक तोड़ी 200 रुपये दिए और कहा मेरे साथ बताएंगे 1 घंटा। रात को 11 बजे 11:30 बजे तक हम लोग काम करते हैं पैसा कमाने के चक्कर में, और फिर सुबह जैसे ही हमारी 35-30 होती है हमारी धोने निकलना शुरू हो जाती है ना, हम लोग दुनिया भर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, फिर हम 40-45 के बाद सुबह उठ के जिम जाना शुरू करते हैं, पहले 15,000 ढंग से जिम में ठीक है, फिर अगले 15,000 बाहर जाके जो है वो जिम में जाना, क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, मनी कैन ब्रिंग हैप्पीनेस इफ मनी ब्रिंग्स हार्मनी, इसका बहुत सा कल्चर सर मैं तो आपने बहुत अच्छी बात की, मुझे लगता है यहाँ पे हम शायद वेस्टर्न से बहुत कुछ सीख सकते हैं, वेस्टर्न सोसाइटीज हम चूक गए, वेस्टर्न सोसाइटीज इसमें आज भी बहुत ज़्यादा अच्छी, स्पेशली यूरोपियन मतलब अमेरिकन कल्चर एक वो है, यूरोपियन कल्चर बहुत स्टडी नहीं किया इंडियन, वरना यूरोपियन कल्चर में तो ये आप ब्रिटेन को देखिए, ब्रिटिश लोग ऐसे होते हैं, वो 5 दिन ऐसे काम करेंगे और जिस वक्त तक काम करना होगा सिर्फ काम करेंगे उसका वो पेंट अप करेंगे और फिर निकल जाएंगे, उसके बाद सैटरडे संडे आप उनको छू नहीं सकते, वो उनकी अपनी जिंदगी, ये हार्मनी या बैलेंस जो है वो मिसिंग, मुझे मेरी रिक्वेस्ट होगी सर यहाँ पे आपने जो लाइन अति वाली बोली थी उसके बाद जो आपने मुझसे शेयर किया था वो कहें मुझे बहुत। हाँ संदीप जी जो बात कर रहे हैं हार्मनी इन हैप्पीनेस, हार्मनी फॉर हैप्पीनेस, तो वो बहुत अच्छा है, इसमें एक चीज ये है कि दो तरह की चीज है, एक तो फ्लक्चुएटिंग हैप्पीनेस है और एक है रेगुलर एंड इटर्नल हैप्पीनेस, तो फ्लक्चुएटिंग हैप्पीनेस जब उसी तरह से किसी ने कहा कि एक व्यक्ति की अप्रोच यह है जिंदगी में उसको खुशी मिलती है जैसे वो सांप सीढ़ी का खेल खेल रहा है तो 6 आ जाते हैं तो बहुत खुश हो गया भाई 6 आ गए, और दूसरा जो व्यक्ति है उसका दृष्टिकोण जो है शतरंज की तरह, वो कुछ भी चलता है या कुछ भी करता है वो ये सोच के करता है कि बाद में क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा, और उसको देखते हुए वो अपनी अप्रोच जो मनी की बात की, देखिए वो इक्वेशन आप फिर से देखिए तो रुपया फिर डॉलर यूरो पाउंड
gold, diamond, platinum. अब इनसे और क्या पढ़ते हैं? Maybe something art object, something so expensive, to be. लेकिन जो हमारे जो आप देखें भारतीय जो हमारा दर्शन है और जो हमारा शास्त्र है उसमें इससे भी बढ़कर धन की कामना की गई। जैसे आप देवी मीराबाई का देखें राम रतन धन, तो वो तो उससे बहुत खुश कि मुझे तो राम रतन धन मिला है, तो वो धन का वो रूप जो खुशी लगा वो राम रतन धन। और या फिर जो अपना जो धन है उसको हम धर्म के मार्ग से यूज करें तो भी। अब आप जो बात कर रहे थे अति सर्वत्र वज्र थे वो मैं जो आपसे चर्चा कर रहा था ये कर रहा था कि मान लीजिए अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, ऐसा मान लें कि एक हम जंगल में बैठे हैं चट्टानों पर बैठे हैं और आसपास सांप बिच्छू घूम रहे हैं, कब किस चट्टान के पास में से कहाँ से बिच्छू निकल जाए ये पता नहीं। तो चाहे हम जो भी बात करें आपका फोकस जो हम बात कर रहे हैं उसमें क्या अच्छा लग रहा है उस पर नहीं रहेगा, आप ये देखेंगे कि कहीं सांप ना काट लें, कहीं मेरे में जहाँ बैठा हूँ वहाँ से बिच्छू निकल जाए, ये एक एक्सट्रीम। फिर मान लीजिए नेक्स्ट स्टेज पे हम आ जाए कि वहाँ पर ऐसा जंगल है चट्टाने हैं थोड़ा सा कुछ आसपास जो हिंसक जो पशु है उनकी आवाज़ें आ रही हैं आपको लग रहा है कब आ जाए शेर, सेकेंड स्टेज। थर्ड ये है कि अभी जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए जो बेसिक सुविधाएँ वो हैं और हम चर्चा कर रहे हैं आप उससे जो भी आनंद ले, और चौथा ये मान के चले कि अभी आप जहाँ बैठे उसकी वजह है देर आर वेरी वेरी कोजी चेयर्स, दिस एंटायर थिंग इज फुली एयर कंडीशन, जूसेस आर बीइंग सर्वड एवरी 5 मिनट्स, यू हैव वाईफाई वेयर बाय यू नो इफ यू वांट यू कैन स्किप फ्रॉम आवर टॉक्स एंड यू कैन डू समथिंग नाउ दैट एक्सट्रीम इज ऑल्सो बैड। तो दोनों तरफ की जो अति है तो वही पैसे में भी है जो अति सर्वत्र हो जाए, लेकिन साथ ही यदि आपके पास अति पैसा है नहीं आपके पास 20,000 करोड़ रुपए की भी प्रॉपर्टी है कोई बात नहीं वो भी अच्छा है, लेकिन अब आप इसका कैसे यूज कर रहे हैं, क्या आप धर्म मार्ग पे चल रहे हैं? बस ये बहुत जैसा कह रहे मनी और हैप्पीनेस को अगर जोड़े तो तीन बहुत अच्छे वर्ड होते हैं। आपको पता है आप जितने लोग मैनेजमेंट वाले मार्केटिंग पढ़ रहे हैं उसके अंदर वर्ड होती है, एक होता है नीड, एक होती है वांट, एक होती है डिजायर। नीड क्या है कि आई एम हंग्री आई वांट टू ईट समथिंग, ये नीड। वांट इज आई एम हंग्री आई वांट टू ईट बर्गर, एंड डिजायर इज आई एम हंग्री आई वांट टू ईट मैकडॉनल्ड्स बर्गर। तो देखिए तो सारी ब्रांडिंग जो है वो दरअसल एक ही चीज को होती है, नीड को वांट को, वांट को डिजायर में कन्वर्ट करने की कोशिश है उसे मार्केटिंग करते हैं। उसी तरह से अगर आप देखें तो तीन वर्ड, एक है नेसेसिटी, एक है फैसिलिटी और एक है लग्जरी। मनी जब तक नेसेसिटी और फैसिलिटी ला रहा है तब तक सब सच आपको पूरा, लेकिन जहां उसे लग्जरी कमाने की कोशिश में लगाए सही सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया तब वो तकलीफ देना पड़ा। पैसा कमाना बहुत अच्छा लगता है पर किसी से ज्यादा कमाना अब ये तकलीफ है, किसी से कम कमाया है ये तकलीफ है। तो दो टर्म्स होती है, एक एब्सोल्यूट एक रिलेटिव। तो पैसा एज एन एब्सोल्यूट टर्म बड़ा मुश्किल है, पैसा एज अ रिलेटिव टर्म बड़ी मुश्किल है, वो आपके लिए तकलीफ में पैदा करता है। तो जब तक आप उसको नेसेसिटी और फैसिलिटी के लिए लगा तब तक कोई भी दिक्कत नहीं। आप भी देखिए ना हमारे कहते हैं ईसाई इतना दीजिए जामे कुटुम समाज, अब वही है दरअसल इतना रहे कि कम ना पड़े मेरे पास भी हो और साथ ही साथ जो है वो साधु को भी जो है दिया जाए, तो वो थोड़ी सी एक देने की इच्छा जो है वो अच्छा। और पैसे का भोग करना रतनी कहते हैं कि जो धन है उसकी तीन गतियां होती, एक होती है आप उसको दान कर दें, दूसरा उसको भोग करें, अगर ये दोनों नहीं करते तो उसका नाश हो जाता है। देखिए बड़े बड़ी खूबसूरत बात करते हैं कि दान करो या भोग करो, करेंसी करेंसी का जो रूट वर्ड है वो क्या है, वो करंट है, उसे फ्लो करते रहना चाहिए। अगर वो फ्लो करती रहेगी तो ही वो किसी काम की, वो अगर जमा के जो है वो किसी साहूकार की तिजोरी में चली गई तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो मनी इज इम्पॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट जस्ट इन्वेस्ट मनी बट टू स्पेंड मनी एज वेल। बट अगेन वो स्पेंड करना है किस चीज के ऊपर, किसी ऐसी चीज के ऊपर जो वर्थी हो और साथ ही साथ जो नेसेसिटी या फैसिलिटी के लिए लग्जरी के लिए, जो तन के लिए सुख दे बहुत अच्छा है, जो मन को थोड़ा सुकून दे वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपने
अब तन और मन से कहीं ज्यादा अगर कोशिश की है कि उसको अब अपने सुख के लिए किसी और से कंपेयर करने लगे, नाउ दैट्स व्हेन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। ये बात ठीक है, और साथ ही जो मनी और हैप्पीनेस जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो देखिए हैप्पीनेस किसी को ये लगता है कि भाई ठीक है आई विल नॉट बी हैप्पी, यू मस्ट बी हैप्पी। व्हाट लाइज इन हैप्पीनेस? एक बार तीन लोग तपस्या कर रहे थे, ये मुझे कथा आपको तीनों तपस्या कर रहे थे एक पेड़ के नीचे जो बहुत खराब खराब पेड़ था, बहुत विशाल पेड़ था, चार वर्षों से हो खूब सारे, तो उधर से नारद मुनि गुजरे, तो उन तीनों ने उनसे निवेदन किया कि आप कहाँ जा रहे हैं। नारद मुनि ने कहा कि मैं भगवान विष्णु के पास जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हमारा एक निवेदन है, उनसे पूछ के बताइएगा कि हमको मोक्ष कब मिलेगा, ये जरूर पूछ के बताइएगा। उन्होंने कहा ठीक है मैं पूछ के। उस समय बाद वो वापस आए, उन तीनों से मिले कि भगवान ने जवाब दिया, तो तीनों खड़े हो गए आप बताइए क्या जवाब दिया। तो पहले व्यक्ति को कहा कि देखो तुम्हारे जो कर्म है उसके हिसाब से भगवान ने ये कहा है कि 25 जन्मों बाद मैं तुम्हें दर्शन दूंगा और तुमको मोक्ष प्राप्त होगा। उसने कहा 25 जन्मों बाद? अच्छा तो छोड़ो थोड़ा सा एक आध दिन बाद ही देखेंगे, अभी तुम्हें चलना करके वो तपस्या छोड़ के चलना। दूसरे व्यक्ति ने कहा मेरे लिए क्या कहा? हाँ तुम्हारे लिए कहा है कि तुमको 50 जन्मों बाद दर्शन होंगे। तो वो भी उसने भी सोचा कि 50 जन्म में तो अभी बहुत समय है, छोड़िए अभी कहाँ हम लगे हैं, कुछ और अभी करते हैं बाद में देखेंगे, वो भी चला गया। तीसरे व्यक्ति ने पूछा मुझे भी बताइए, तो नारद मुनि ने कहा देखो तुम्हारे लिए तो भगवान ने ये कहा है कि इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों बाद तुम्हें भगवान के दर्शन। वो व्यक्ति खुशी के मारे चीख पड़ा, भगवान ने ऐसा कहा? उन्होंने कहा कि दर्शन तो होंगे ही, इतने जन्मों बाद होंगे लेकिन होंगे जरूर। और वो नाचने लगा, वो इतना खुश हो, और उसी समय भगवान ने उसे दर्शन दिए। तो आप बोलेंगे पहले तो उन्होंने कहा था, लेकिन वो उसने जो जिस खुशी की सीमा पे वो पहुंच गया उस वो वही सीमा थी जो भगवान चाहते। तो वी ऑल मस्ट बी हैप्पी, God wants it. Therefore, we should be happy. और इस happiness जिसकी से बात करें, वो happiness थोड़ा simple सा है कि अगर आपने कभी देखा आपके किसी बच्चे को आप देखिएगा उसके सारे दांत में बस एक दांत जब टूटता है तो जबान जो है वो सारे दांत को छोड़ के उसी एक खाली जगह पर टटोलती रहती है, मतलब उसको बाकी 20 दांत नहीं दिखते, वो जो एक नहीं है वो बहुत अच्छा लगता है, वो उसी की याद आती है, मतलब हद हो जाती है। आप ये देखिए आप क्योंकि आप पहले अपने छोटे भाई बहन को मजे लेना चाहते तो आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे वहां से जाइए और ऐसे जाते वक्त अचानक से हाथ पीछे रखिए उस पैसे हाई करते हुए निकल जाइए, तो थोड़ा सा देखें तो फिर थोड़ा सा ऐसा कर लीजिए ऐसा कर लीजिए और वो आपको देखेगा आपको कहेगा क्या छुपा रहा है क्या छुपा रही क्या छुपा रही, आपने ये नहीं कुछ नहीं तेरे काम की चीज़ और ये नहीं बता बता क्या छुपा रही है। हमारे देश में तो उसका ब्रह्मास्त्र है तुझे मम्मी का समा बता क्या अच्छा वो छोटे भाई बहन होते भी बहुत चल रहे हो वो ये भी भूल जाते हैं कि उनकी मम्मी है लेकिन उनका तो अभी मतलब इससे ही वो आप देखिए कभी वट एवर यू हाइड सडनली बिकम्स इम्पॉर्टेंट, वट एवर यू लूज सडनली बिकम्स क्रूशियल। हमारा जो दिमाग है वो हमेशा किसी चीज की कमी की तरफ ज्यादा जाता है, किसी चीज के होने की तरफ कम। तो अगर आप देखें तो पैसा जब कोई गरीब आदमी भी मरता है तो भी कभी वो कंगाल नहीं होता, ध्यान से भी उसके बैंक अकाउंट में 1,500 रुपए तो पक्का होगा। कोई भिखारी मरेगा ना आप तो भिखारी मरने के बाद उसके टाट उठाइएगा उसके नीचे पक्का आपको छुट्टे छुट्टे 1,250 रुपए मिलेंगे। जब हम में से ज्यादातर लोग जब जिनकी जिंदगी खत्म होगी ना उनके बैंक अकाउंट में कभी भी ऐसा हो इसके चांसेस ऑलमोस्ट नहीं लेंगे जीरो रुपए। तो फिर पैसा करता क्या? जब सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा होता है ना तो वो आप कभी खर्च नहीं करते पर आपको वो सुरक्षा से जीने का एहसास,
वो कहता है कि अगर कल वो जरूरत पड़े तो मैं हूं। तो अगर आप वही अब्राहम मास्लो की हायरार्की देखें तो नीचे फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, फिर सेफ्टी नीड्स हैं, फिर सोशल हैं, फिर एस्टीम और फिर स्पिरिचुअल है। अब अगर आप देखें तो जो पैसा है वो दरअसल आपकी फिजियोलॉजिकल नीड, पेट भरना और सेफ्टी नीड, वो पूरी करता है। उसके बाद की सोशल और एस्टीम नीड आपको खुद पूरी करनी पड़ती है अपने कर्मों से, क्योंकि रिचनेस जो है वो बहुत बड़ा एक फैक्टर नहीं बन सकता एस्टीम में। तो पैसा कैन ब्रिंग हैप्पीनेस, क्योंकि उसकी कमी जो है, ये बड़ी अच्छी लाइन है, किसी ने मुझे बहुत अच्छी बात कही थी, वो लाइन थी मनी इज नॉट एवरीथिंग बट नॉट हैविंग मनी इज एवरीथिंग। ठीक है, क्लियर? आप ध्यान से देखो ना, मनी जिसके पास है वो कहता है कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट जिसके पास नहीं होता उसके लिए मनी अचानक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना है, जैसा कि आप अक्सर मोटिवेशनल थ्योरी में पढ़ते हैं, हाइजीन फैक्टर्स होते हैं, है ना? तो पैसा एक क्या है? हाइजीन फैक्टर, वो होना चाहिए। उसका होना सुख नहीं देता, और उसका ना होना दुख। ये बात बहुत अच्छी कही आपने। कुछ ऐसी स्टडीज भी है वर्ल्ड बैंक की और दूसरी स्टडीज कि यदि आपकी मान लीजिए जो सैलरी है 10,000 रुपये पर मंथ है या उससे ज्यादा है, आपके पास में अपना खुद का घर है, ऐसे 1,00,000 रुपये और भी आपके पास है, तो आपकी जो पोजिशन है दुनिया में 80% लोगों से बेहतर है। और कई बार क्या है कि लोगों को दुख इस बात का नहीं होता कि ये चीज़ नहीं है, पर इस बात का दुख होता है कि उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है। तो ये भी एक जो फैक्टर है ये। और मुझे सभी बात देख रहा हूँ, फिर ऐड करूँगा। आप ध्यान से देखें, पैसा कमाना इम्पॉर्टेंट है, पर पैसा कमाने की प्रोसेस को एंजॉय करना बहुत इम्पॉर्टेंट। आपको पता है अमिताभ बच्चन के खानदान में एक बड़ी इंपॉर्टेंट परंपरा है। अमिताभ बच्चन के ब्लॉग में मैंने पढ़ी, पता नहीं कितनी सही है, अमिताभ बच्चन के ब्लॉग में वो लिखते हैं कि हमारे यहाँ पे कभी शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं किया जाता, हमारे परिवार ने कभी शेयर में इन्वेस्ट नहीं किया। और उसकी वजह यह है क्योंकि उनको उनके पिताजी उन्होंने बड़ी अच्छी बात करी, उन्होंने कहा था बेटा हमारे परिवार को ना वो पैसा नहीं फलता जो किसी और की मेहनत से कमा के आए, तो अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा ही जो है वो परिवार को फलता है। वो बड़ा अच्छा सा शेर है, उन्होंने कहा था माथे के पसीने की महक आए ना जिससे, वो खून मेरे जिस्म में लर्जिश नहीं गर्दिश नहीं करता, गर्दिश मतलब मूवमेंट, तो जिससे पसीना नहीं हो वो खून जो है वो अंदर गर्दिश नहीं करता। तो अमिताभ बच्चन का कहना है कि वो हमारे कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि पैसा अगर अपनी मेहनत से कमा के नहीं आया तो वो आपको फलता नहीं। तो पॉइंट ऑफ हमेशा एक ही चीज पैदा होता है कि कैसे कमाए। अब मैं आपको बताता हूँ, हमें से अधिकतर जो आप लोगों की एज के जो बच्चे हैं उनके जहन में सबसे बड़ा ख्याल क्या है, यार ये लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं इनके पास है थोड़ा बहुत, इसलिए बोल रहे हैं कि नहीं है इम्पोर्टेंट। इनके पास नहीं होता तो इनको बुलाता कौन? आई होप यू अंडरस्टैंड, पहली बात तो आपके जहन में ही आती है यार ये सब बोलने की बात नहीं। ध्यान से, हर सर को या मुझको पैसा कहां से चलने, हम उन लोगों में से जिनको लक्ष्मी सरस्वती ने दी, हमको लक्ष्मी दरअसल सरस्वती, हम पे जब तक सरस्वती का आशीर्वाद है तब तक हमारे पास लक्ष्मी है, कितनी आती कितनी नहीं आती है वो डिपेंड इसी बात पे करता है कि हम सरस्वती के आशीर्वाद से कितने ज्यादा वंचित हैं या कितने ज्यादा वरिष्ठ। कुछ लोगों के पास पहले पैसा जो है वो इनहेरिटेंस में आ रहा है। वो कहते हैं ना, व्हाट यू लीव फॉर योर चिल्ड्रन इज इनहेरिटेंस एंड व्हाट यू लीव इन योर चिल्ड्रन इज लेगेसी। आप अपने बच्चों के लिए जो छोड़ के जाते हैं उसे वसीयत कहते हैं, और बच्चों में छोड़ के जाते हैं उसे विरासत कहते हैं। मुझे लगता है अब आने वाला दौर जो है वो नॉलेज वर्कर्स का है, हम सब जानते हैं, लेकिन साथ ही साथ स्किल वर्कर्स का। आप लोगों के पैकेज की आप बात करते हैं, आप इंदौर चलिए, इंदौर में कोई भी एक ऐसा अच्छा इलेक्ट्रिशियन जो सच में सिंसियर भी हो और स्किल्ड भी हो, ये दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं आता। जो इलेक्ट्रिशियन स्किल्ड होता है सिंसियर नहीं बनता, ठीक है, उसको पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है, जो सिंसियर होता है स्किल्ड नहीं होता। एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन जो सिंसियर स्किल्ड है कम से कम 80,000 रुपये महीना कमाता है। एक अच्छा फोटो खींचने वाला
आपको जान के आश्चर्य होगा, साल का 18 से 20 लाख रुपए का पैकेज लोगों का मानना। प्रॉब्लम क्या है आपको, आप अच्छे किसी चीज में तभी हो सकते हैं जब आप वो करना एंजॉय करते हैं, और जब आप उसमें अच्छे होते हैं ना तो आपको पैसा दिया जाता है, बिकॉज मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ डूइंग समथिंग बेटर देन अदर्स। सुना, मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ डूइंग समथिंग बेटर देन अदर्स। अगर आपने बेटर करना है किसी प्रोसेस को तो उसे एंजॉय करना जरूरी है। अगर आपने एंजॉय की प्रोसेस उसे बेटर किया तो ऑफ कोर्स उसके लिए आपकी जो वर्थ है वो बढ़ेगी और आपको पैसा मिलेगा। तो उस तरह से पैसा हैप्पीनेस तो लाएगा ही, पर पैसा लाने की कवायद भी हैप्पीनेस लाएगा। ये तो सोने पे सुहा। एक बहुत अच्छी चीज संदीप जी ने जो कही, इन्होंने देखिए मनी के लिए माता लक्ष्मी उनका शब्द का प्रयोग किया, और ये देखिए ये हमारे जो तो भारतीय कल्चर पर है, संस्कृति पर, इसमें खास बात कि हमने वो पैसा या रुपया उसको उस तरह से नहीं कहा, हमने उसको देवतुल्य उस तरह से कहा गया। तो जब हमने पैसे में भगवान उस तरह से देखा तो हम निश्चित तौर से अपने अंदर सात्विकता लेके आ। देखिए ये जो हम अभी जो हम बात करते हैं, जो काल को जो हम युगों में रखते हैं, अभी कौन से युग में, पहला युग कौन सा, सतयुग, दूसरा दूसरा त्रेता युग, द्वापर युग का नाम ही इसलिए द्वापर युग क्योंकि दो बाद में आ द्वापर को दो बाद में ओपन कर। तो देखिए एक ब्रॉडली क्या हो रहा है, जो सतयुग है उसमें लड़ाई किसके बीच थी, देवता और असुरों के बीच, है ना। कभी इन्होंने ऐसा कर दिया, स्वर्ग लोक पे इन्होंने आक्रमण कर दिया। उसके बाद में जो त्रेता युग है उसमें एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये दो देशों के बीच हो गई, एक तरफ राम रावण समुद्र पार करके गए, वहां पर हराया। तो लोग पहले लोगों के बीच में लड़ेंगे, अब ये देश, अब आ जाए द्वापर युग में, हाँ कौरव और पांडव परिवार के बीच में, तो जो एनिमी है इट इज कमिंग क्लोजर। अब कहाँ है कलयुग में, समझा, ये सब चीजें अवेलेबल है, सब ज्ञान उपलब्ध है, अच्छा बनना है बुरा आपके ऊपर। और देखिए केवल इस बात पे विचार कीजिए कि भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई, इतना ब्रह्मांड है जिसका सालों तक कोई भी उसका अंत नहीं जान पाया। वैज्ञानिकों ने काफी क्लेम किया, हम ये जानते हैं वो जानते हैं। कैन द साइंस, कुड द साइंटिस्ट मेक अ स्पाइडर दैट कुड लिव, नॉट रोबोट दैट कुड लिव, तो हम एक स्पाइडर तो बना नहीं पाए। तो हम यदि इस पे डाउट करें कि जिसने इतना सब बना दिया, क्या उसका जो न्याय है, क्या भगवान का जो न्याय है वो इलॉजिकल होगा, सिस्टमेटिक नहीं होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम चार बात नीति से करते हैं कि जो दिख रहा है उसको ही हम मानते हैं, व्हाट इज विजिबल हम उसी को मानते हैं, देयर इज वन लाइफ मेक इट लार्ज काइंड ऑफ फिलोसॉफी दैट इज देयर, कि एक ही जीवन बस इसके बाद में कुछ नहीं है। चारवाक नीति से बेहतर चाणक्य नीति, और चाणक्य नीति से बेहतर शरणागति। तो यदि हम इस पे विचार करेंगे तो अपने आप की प्रॉब्लम सॉल्व होने लगते हैं। जैसे भगवद गीता है उसमें उसको हम उसमें तीन चीजें हम बहुत खास मान सकते हैं, जो भगवद गीता से हमें संदेश मिलता है जो हमें हैप्पीनेस ला सकता है। ग्रोथ, खूब बढ़िए, खूब काम करिए और खूब पैदा करिए। ग्रोथ, गिविंग, दीजिए, give, if you give you will be happier, and third is gratitude। घर पहुंचे आप ट्रैफिक के बाद में गुड़गांव के ट्रैफिक आपके से होंगे कहीं बच्चे गुड़गांव से, यू से थैंक्स गॉड, वो इसलिए कहना अच्छा है भगवान आपका शुक्रिया, क्योंकि आप जब आए तो किसी अमुक टर्न पे इस व्यक्ति ने आपको टक्कर नहीं मारी, आपने किसी को नहीं मारी, वो व्यक्ति सही चला रहा था, ट्रैफिक का सिग्नल सही रहा, तो किस किस को धन्यवाद देंगे, भगवान को धन्यवाद दीजिए, हो गया काम।
खुशी जो है वो ऐसे ही और जैसा सैनिक खुशी आपके अंदर होती है सुख आपके ऐसा हम लोगों के लिए आप तो थोड़ा सा क्रिएट से ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट सेइंग है बिल रॉजर्स की मुझे बहुत पसंद है वाली लाइन है टू मेनी पीपल आर स्पेंडिंग मनी दे हैव नॉट अर्न टू बाय थिंग्स दे डू नॉट नीड टू इम्प्रेस पीपल दे डू नॉट लाइक टू मेनी पीपल आर स्पेंडिंग मनी दे हैव नॉट अर्न कर्जा ले They have not earned to buy things they do not need, to impress people they do not like. Now can you imagine? ये सबसे बड़ी problem है. Money हमारे लिए happiness इसलिए नहीं ला पा रहा है, क्योंकि हम लोग ये बात भूल गए कि money दरअसल facilitate करने के लिए था. क्या? हम ज़्यादा देखिए फिर से इसको ऐसे define करो. Success क्या? Success is being physically fit. Personally fulfilled, socially acceptable, professionally excellent and financially sound. ये पांच चीजें आप ले आइए तो आप जो है वो सक्सेसफुल अपने आप को मान सकते हैं. अच्छा इन पांच चीजों की एक खासियत है, आप इन पांच को ऐसे नहीं ला सकते कि ए में मैंने 1 to 10 लिया फिर बी को 0 से शुरू करूंगा और 0 से 10 को बी को लाने के बाद फिर सी को 0 से 10 शुरू करूंगा. ऐसा नहीं होता. इतने वक्त में जब तक हमको लगता है कि हम एंजॉय करेंगे बाद में जाके तब तक तो जो है वो वक्त निकल चुका होता है. वो है ना वो बॉम्बे के बड़ा अच्छा सा एक जोक जो आप सब लोग सुनते ही कि वो लोकल में जो है वो मैनेजर और उसका वो जा रहा था सबॉर्डिनेट तो सबॉर्डिनेट से मैनेजर से पूछा मैनेजर साहब बताइए आपके कितने मतलब आपके कितने बच्चे हैं. ऐसे ही पूछ लिया तो उसने कहा दो. तो यहाँ बेटा बेटी बेटी नहीं दोनों बेटे हैं. अच्छा दोनों बेटे हैं. कौन सी क्लास में पढ़ते हैं. कहा यार एक नाइन्थ में पढ़ता है और दूसरा पिछले साल का फर्स्ट में इस साल सेकंड में होगा. सेकंड में उनकी हाइट कितनी. मैंने कहा सेकंड वाला करीब इतना है और नाइन्थ वाला करीब इतना है. उसने उनको लेटे हुए देखा. जब वो घर से निकलता था तो वो सो रहे थे और रात को आता था वो सो रहे थे. जब सैटरडे संडे को गोल्फ खेलने निकले था वो सो रहे थे. रात को पार्टी से लौटे तो वो सो रहे थे. दरअसल हुआ भी कि आप जब तक वक्त क्रिएट नहीं कर सकते पैसे से तब तक पैसा किसी का क्योंकि पैसा सिर्फ और सिर्फ अपैरेटस क्रिएट करता है प्याला क्रिएट करता है उसके अलावा कुछ. वो पुरानी कहावत है इंग्लिश में दैट विद मनी यू कैन अर्न हाउस बट नॉट होम बेड बट नॉट स्लीप फूड बट नॉट एपेटाइट क्लॉक बट नॉट टाइम. तो जितने क्वालिटेटिवली अवेलेबल कॉन्सेप्ट है वो पैसे से नहीं खरीदे जा सकते. क्वांटिटेटिव सारे कॉन्सेप्ट खरीदे जा सकते. आप दूध खरीद सकते हैं क्योंकि दूध को मैं जो है वो किसी तरह से क्वांटिफाई कर सकता हूं आधा लीटर एक लीटर. पर आप स्नेह नहीं खरीद सकते. आप लॉयल्टी नहीं खरीद सकते. आप प्यार नहीं खरीद सकते. आप सौहार्द नहीं खरीद सकते. आप जो है वो साधुवाद नहीं खरीद सकते किसी. आप समग्रता नहीं खरीद सकते. आप संपर्कता नहीं खरीद सकते. आप ऐसा कुछ भी नहीं खरीद सकते जो क्या है क्वालिटी. लेकिन वो सब कुछ खरीद सकते हैं जो लेकिन गजब की बात क्या है क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक तब तक नहीं हो सकता जब तक क्वांटिटेटिव मात्रात्मक